तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आ जा रहे हैं हमारे पंडित जी। तो मैंने खाना तैयार कर लिया पंडित जी के लिए। ये बनाया राजमा, ये बनाई है मैंने गोभी आलू, और ये बनाए हैं मैंने चावल। पंडित जी को लगेंगे 2-4 घंटे आने में, 1-2 घंटा। तो चलिए कोई बात नहीं, तब तक अपना काम निपटा लेते हैं। गाइस हैविंग राजमा चावल, ये जम्मू वाले राजमा है। तो गाइस मम्मी को जम्मू वाले आंटी वाले राजमा बहुत पसंद आए थे, तो आज भी बने हैं वही राजमा। तो चलो खाते हैं अपना राजमा चावल। तो थोड़े चावल थोड़े राजमा थे ना, तो क्या किया मम्मी ने, पूरा डेरा बना दिया यहाँ तक का, ताकि दिखे कम। मुझे क्या लालच है तो डेरा बना के दूँ। ये माँ का लालच है, माँ का, जिसका कोई बीट नहीं है। देखो थोड़ा सा दिया है बिल्कुल राजमा चावल, पता चल रहा है मम्मी। और गोभी छिपा रखी मेरे पंडित जी ने, गाइस आलू गोभी छिपा दी, और कह रही है जितनी बना लू उतनी कम पड़ जाती है। आलू गोभी बचती नहीं मेरे घर में फ्रेंड्स, तो गाइस छिपा देंगी मम्मी। छिपा नहीं रही फ्रेंड्स, पता क्या है पंडित जी ने आना है, पंडित जी खा लेना उसके बाद देखेंगे। एंड गाइस ये वाले जो पंडित जी लक्ष्मी नगर रहते हैं, तो कोई आसपास रहता है, वैसे तो ये कहीं पे भी चले जाते हैं जहाँ पे आप बुलाओ, पर वैसे ये लक्ष्मी नगर में इनका ऑफिस, तो आपको नंबर दे देंगे हम पंडित जी का भी। नोन में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ देखने, एंड उसके बाद फिर पंडित जी आ जाएंगे तो वापस आ जाऊँगी घर। चलते हैं, थोड़ी देर बैठती हूँ पास में ही है हॉस्पिटल में, चलते हैं। मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, ये देखो क्या हो गया, ये ना यहाँ पे मतलब वो ले ही नहीं रहा, लाइट ही नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है। स्टार्ट नहीं हुई है, चंचल दी स्कूटी मांगी है, पता नहीं क्या हो गया। हिंदी में कहते हैं ना करंट नहीं ले रही स्कूटी, तो मेरी स्कूटी करंट ही नहीं ले रही है, पता नहीं। चलो ओके दे जाऊंगी मैं, चलिए चंचल की स्कूटी पहुंच गई है कृष्णा हॉस्पिटल, चलते हैं। मेरी करंट बैटरी डाउन हो गई, नहीं पर बैटरी में लग रहा है मेरे को, करंट ही नहीं लिया, तब चंचल की स्कूटी मांगी है। चल खोल गेट फिलहाल, तो छोड़ इसको, आज बिल्कुल हिमाचली पंडित बन के आए हैं। पंडित जी कह रहे हैं मैं यूट्यूब पे आऊंगा, तो मैं जो एक्चुअल हूँ मैं वही बन के आऊ। अभी क्या था सेमिनार था उस दिन वहाँ पे ना, नक्षत्र लगा हुआ था, बच्चों की शादी भी करनी है। आप पंडित जी शादी रिश्ता काफी जा रही है, रील्स वायरल ये लोग जान गए पंडित जी, पर जानने का बेनिफिट भी तो मिले मुझे। देखो वक्त है हर चीज देगा, देखो आपने जो करना था ना, देखो एक फेम है, अब धीरे धीरे होगा, ये इनको भी तो कुछ करने दो जिंदगी में, आपने जितना करना था इतना कर लिया आपने इस एज में, जिस एज में आपने किया आसान नहीं है। मैं तो खुद ये बात कहती हूं, दोनों ने मिलकर किया, पर फेम लाना भी किसी एज में आता है हर किसी को। पंडित जी एज मैं ये कहती हूँ, जितना स्ट्रगल और जितना मेहनत और जितना काम मैं कर लेती हूँ ना, ये लोग नहीं कर सकते। अभी भी मेरे में ताकत हिम्मत नहीं होती, फिर भी मैं लगी रहती हूँ कि नहीं ये काम भी करना है, ये भी करना है। यही तो ताकत है, यही ताकत बचाती है आपको। बोलते तेज तरार और डर जाए बेचारा, मम्मी की बोली से डर जाएगी, सास बड़ी खतरनाक है भैया। चलो पंडित जी मेरी पहले दिखा रहे हैं, मेरे को दिखा रहे हैं, फिर कर लो, फिर कर लो। चलो पंडित, हमारे तो पंडित जब तक बैठेंगे हम फ्री निकलने वाले, हम तो पूछते ही जाते हैं ऐसी। कितने साल हो गए, 4 साल, 5 साल, लॉकडाउन 4 साल, 4 साल से पहले कौन जानता था आपको पंडित जी, अपने परिवार के अलावा? देखो परिवार वाले तो वैसे मुंह फेर फेर के चलते थे पंडित जी, तो मान रहे हैं आप, मान रहे हैं। हाँ बाकी जी यार इनसे फोटो खिंचाने इम्पोर्टेंट, आप दोनों ने किया लॉकडाउन, ने कई लोगों को बुरा किया तो अच्छा भी किया, ऑनलाइन वाले जिंदा है सारे। बेटियों की शादी नहीं होगी तुम लोगों की, रिश्ते आ रहे हैं आप तो बढ़िया शादियां होंगी, मैं बता रही हूँ लोगों की थिंकिंग जेलसी होती है ना। देखो
हजार लोग जाते हैं टीवी में, 10-20 कामयाब होते हैं। देखो पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं रोज रोज चैनल बनते हैं। हाँ मैं ये कहती हूँ, आप एक छोटी सी बात में बताऊँ आपको, एक छोटी सी मैं ये कहती हूँ कि कोई आदमी करोड़पति अरबपति है, उसको क्या जरूरत है धक्के खाने की? हम जैसे धक्के खाएंगे जिसके घर में रोटी नहीं है, हम धक्के क्यों खा रहे हैं? हमारे घर में रोटी नहीं है, आदमी पंडित के पास क्यों जाएगा? जो परेशान होगा वो तो हमारे रिश्तेदार हैं जो कि मजाक बनाते हैं, क्या है पंडित? अरे भैया तुम्हारे तो भगवान ने इतना दे रखा है, भगवान ने इतना दे रखा है, तुम्हें जरूरत क्या है पंडितों के जाने की? आज हमारे क्या है, बच्चों के लिए काम धंधे नहीं है, बच्चों की शादियां हो रही है, हमारे सर पे छत नहीं है ढंग की, तो आप पंडित कुछ नहीं करते, मन की तसल्ली, एक हमें तसल्ली आप जो बताते ना, हमें तसल्ली मिल जाती है। और जिसके भगवान करोड़ों अरबों यूं छाप रहे वैसी, वो क्यों जाएगा? वो भी जाते हैं, बता के नहीं जाते, 21-21,000-51,000 देते हैं ऐसे ऐसे लोग। कितने दिए उसको पंडित जी? 21,000 रुपए दिए उनको, कितनी देर बैठे करे? 10 मिनट मुझे तुम पैसे देने में डरती तुम? मजाक नहीं कर रहा, ये सुनार बड़े लोग बता रहा हूँ जिनसे मेरे मेरे क्लाइंट है, जो उसने ना दान करा दिया सोने का, ये करा दिया सोने का, कड़ा दान करा दिया, लंगूठी दान करा दी, मैं कौन सा उपाय करा दिया? ऐसे ऐसे है। हाँ बहुत है। पंडित जी के लिए बना रहे हैं रायता। बारह महीने काम है, 12 महीने जैसे एसी हो गया अपना, 12 महीने काम ही है वो सीजन का। पापा आपकी तारीफ हो रही है। नमस्कार, ये तारीफ हो रही है, आपको जोक्स में इतने जोक्स आ रहे हैं वो अलग चीज है। हारे हो, मुझे आ रहे हो। देखिए चलो पंडित जी, ओके बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका टाइम देने के लिए, मुहूर्त के लिए चक्कर करवा दे, वहीं से रिक्शा मिल जाएगी। ओके पंडित जी, मिलते हैं आपसे दोबारा। सो गाइस टाइम हो रहा है 5:30, पंडा जी जब भी आते हैं हम फुल गप्पे वप्पे मार मूर के खाना पीना खिला के, तो ये पंडा जी बहुत ही बढ़िया है, इनमें सबसे बढ़िया है तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं ऐसा कुछ नहीं करते, पंडा जी को जो दे दो वही खा लेते हैं। तो पंडा जी का नंबर हम आप लोगों को दे देंगे, एंड जितने भी कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबके भी रिप्लाईज मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी आए हुए हैं। आपको आराम से रात को बैठ के सारे कमेंट्स जितने भी आए हुए हैं उन सब के रिप्लाई मैं दूंगी रात को बैठ के। चंचल दी की स्कूटी अभी तक मेरे पास ही है, और चलते हैं वापस हॉस्पिटल देखने जो भी एडमिट है, तो मम्मी ऊपर ही है, मैं जा रही हूँ फिलहाल, और चलते हैं मिलते हैं अपनी दोस्त से जो बेचारी एडमिट है। चलो चले। चीज़ और बता दूँ कि ये वाले जो पंडित जी आप हमारे बहुत व्लॉग्स में देखे होंगे, तो हमारी शॉप का मुहूर्त भी इन्होंने किया था, हमने जो अंदर गली में शॉप खोली थी इनसे पूछ के खोली थी, फिर हमने बाहर जो शॉप खोली वो भी इनसे पूछ के खोली, और फिर हमने जो कार का कलर लिया वो भी इनसे पूछ के लिया, तो हम सारी चीज़ें इनसे पूछ के करते हैं, सबका अपना अपना हो जाता है कि विश्वास जम जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगे आप बुला के देख सकते हैं, हमें तो बुला के देखने में ही तसल्ली होती है, तो हम बुलाते हैं अपने घर और आराम से 3-4 घंटे 4-5 घंटे पंडित जी के साथ गप्पे मारते हैं, तो हमारे यहाँ सारे ही दिखाते हैं, आशु भाभी सोनिका मम्मी सब हमारे यहाँ इन्हीं पंडित जी को, मीनू दीदी, हमें बेसिकली मीनू दीदी से पंडित जी पता चले थे, तो चलो चलते हैं। सीधे खड़े होकर कैसे कर, ऐसे खड़े हो गंदी बात, नानू को सुनाओ नानी माँ को। गुगु की नानी क्या है? गुगु की और गुल्लू की नानी बंटवारे हो गए नानियों के, मेरी नानी है। वो गुगु की नानी है, मेरी नानी है। गुगु की है, गुगु की दोनों की नानी है। और ये छोटी नानी किसकी है? ये किसी की नहीं है। फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, एंड पंडित जी का नंबर मैंने इस ब्लॉग में आप लोगों को दे दिया है, तो आप लोग कॉल कर सकते हो, उनको बुला सकते हो, उनकी फीस पूछ सकते हो,
एंड डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे उनको बुलाते हैं एंड क्या चीज़ें होती हैं। एंड सबसे बड़ी बात अपने विश्वास की बात होती है, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें जम जाती हैं, काफ़ी लोगों को नहीं जमती, तो आप लोग बुला के एक बार देख सकते हो। हम बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें पंडित जी से पूछ के ही कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें सूट करती हैं। तो सबका अपना अपना है, अगर आपको नीड होगी तो आप कॉल करके पंडित जी को बुला सकते हो। तो मैंने, आप लोग हमेशा कमेंट्स करते हो कि कुछ भी होता है, तो फिर मैंने कहा इस बार आपके कमेंट से पहले ही मैं नंबर शेयर कर दूँ, तो मैंने नंबर शेयर कर दिया है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आगे आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दूंगी।